अब हम पर्यावरण आंदोलन के बारे में देखते हैं कि पर्यावरणीय जो आंदोलन चलाए गए थे वो कौन कौन से थे। पहला हमारा पर्यावरण की गिरावट की चुनौती के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं पर्यावरण के प्रति जागरूक स्वयंसेवकों के समूह से आई है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं। यानी कि बहुत से जो स्वयंसेविक संगठन हैं उन लोगों ने पर्यावरण के आंदोलन में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। दक्षिण की वन आंदोलन मेक्सिको, चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका और भारत में वन समाशोधन के बारे में भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। एक अन्य उदाहरण उस समूह का है जो खनिज निष्कर्षण कंपनी के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि इससे समुदाय आदि का विस्थापन होता है। यानी कि अगर खनिज निष्कर्षण यानी कि जैसे कोयला वगैरह होता है, अगर उनकी खुदाई वगैरह शुरू होती है तो आगे जो आसपास के रहने वाले लोग होते हैं उनको भारी संख्या में क्या होता है, विस्थापित होना पड़ता है। तो इनके लिए भी जो बहुत से लोग हैं इनके लिए आवाज़ उठाते हैं। अब के आंदोलन के एक अन्य समूह वे हैं जो मेगा डैम के खिलाफ संघर्ष में शामिल है। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन इन आंदोलनों में से एक है। यानी कि क्या होता है कि जो डैम वगैरह होते हैं, डैम नदियों में बनते हैं, अब अगर किसी नदी पर डैम बनाया जा रहा है तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यानी कि जो कई बार होता है ना कि विकास तो हो रहा है हमारे देश का, लेकिन विकास सबके लिए विकास नहीं माना जाता। अब क्या ये किसी एक व्यक्ति को या किसी एक कंपनी को प्रॉफिट पहुँचाने के लिए ऐसा होता है, लेकिन क्या उससे वहाँ के जो लोग रहते हैं रहने वाले उनसे उनको बहुत ज़्यादा समस्या आती है। फिर है संसाधन भू राजनीति। अब हम देखते हैं कि संसाधन है जो वो राजनीति में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैसे रोल प्ले करता है वो देखते हैं। इसमें हम रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का मतलब है कि किसे क्या कब कहाँ और कैसे मिलता है। अब जैसे कि अगर किसी के क्षेत्र में कोई भी संसाधन है, कोई खनिज संसाधन है अगर मिलता है तो वो उस कंट्री का होता है। और ऑब्वियसली बात, अगर किसी कंट्री में जो संसाधन है, संसाधनों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो वो कंट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। शीतयुद्ध के दौरान उत्तर के औद्योगिक देशों ने संसाधनों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कई तरीके अपनाए थे। तेल देश वैश्विक रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब क्या देखते हैं, जो जिन देशों में तेल है, मतलब जैसे खाड़ी के जो देश होते हैं, हमारे इराक वगैरह, इराक हो गए, कुवैत हो गए, तो यहाँ पे क्या तेल संपदा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं राजनीति में। अपार संपत्ति इसे नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न करती है। इन सब चीज़ों की वजह से कई बार क्या होता है, राजनीतिक कन्फ्लिक्ट भी होता है। पश्चिम एशिया विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 30% है। वैश्विक राजनीति के लिए प्रासंगिक एक और महत्वपूर्ण संसाधन पानी है। दुनिया के कुछ हिस्सों में मीठे पानी की क्षेत्रीय विविधता और बिखराव 21वीं सदी में संघर्षों का एक प्रमुख स्रोत रहा। अब हम क्या देखते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा जो पृथ्वी उस पर कितना जल है, लेकिन फिर भी हम पानी के लिए लड़ते हैं। हाँ, तो जो हमारा जो पेयजल होता है ना, पीने वाला पानी, वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। तो नदियों के पानी के लिए कई बार उसके बंटवारे के लिए भी लड़ाई होती है। तो कई अध्ययनों से पता चलता है कि जो देश नदियों को साझा करते हैं और कई देश नदियों को साझा करते हैं वे एक दूसरे के साथ सैन्य संघर्ष में शामिल होते हैं। स्वदेशी लोग और उनके अधिकार, यानी कि स्वदेशी लोग कौन होते हैं, जो कहीं पर रह रहे होते हैं उनके, वो लोग वहाँ के क्या कहलाते हैं, स्वदेशी कहलाते हैं। और उनके क्या क्या राइट्स हैं वो हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार स्वदेशी आबादी में उन लोगों के वंशज शामिल हैं जिन्होंने एक देश के वर्तमान में उस समय निवास किया था जब दुनिया के अन्य हिस्सों से एक अलग संस्कृति के व्यक्ति वहाँ पहुँचे थे। यानी कि जब अन्य व्यक्ति आए उसमें, उससे पहले जो वहाँ पर रह रहे थे उसको क्या हम कहते हैं, स्वदेशी कहते हैं। विश्व राजनीति में स्वदेशी लोग अन्य समुदायों के साथ समान व्यवहार करने के लिए आवाज़ उठाते हैं। यानी कि जो वैश्विक राजनीति हमारी, उसमें क्या होता है कि सभी समुदायों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, समान बर्ताव होना चाहिए, ऐसा स्वदेशी लोग अपनी इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। और हमारा है स्वदेशी लोगों के कब्जे वाले क्षेत्रों में मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है। स्वदेशी लोग सरकारों से अपील करते हैं कि वे स्वदेशी राष्ट्रों के निरंतर अस्तित्व के साथ समुदायों को उनकी खुद की पहचान वाले स्थायी समुदायों के रूप में देखें। भारत में स्वदेशी लोग अनुसूचित जनजाति पर लागू होते हैं जो देश की आबादी का लगभग 8% हिस्सा है। देशी समुदायों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत लंबे समय से उपेक्षित किया गया। यानी कि जो ये देशी समुदाय के अधिकार हैं, इनसे संबंधित
कोई भी इशू मतलब सॉल्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत काफ़ी टाइम तक परहेज किया गया था और उपेक्षित भी किया गया काफ़ी इसको। अब हम देखते हैं तथ्य की सामग्री। तथ्य की सामग्री में क्या है कि जो अभी तक आपने पढ़ा उसको दोबारा से एक बार इसमें आप देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज कैसे है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण संबंधी चिंताएं, कृषि भूमि की उर्वरता को कम करना और चराई, जो मतलब गाय वगैरह होता है मतलब जो जानवर होते हैं उनकी चराई, वो जल संसाधनों की कमी के साथ साथ जैव विविधता का ह्रास, पर्यावरण प्रणाली और तटीय प्रदूषण के लिए वास्तविक खतरा, समुद्री पर्यावरण का बिगड़ना। सेकंड है हमारा इसमें आर्थिक विकास के पर्यावरणीय परिणामों ने 1960 के दशक के बाद से 1972 में प्रकाशित एक पुस्तक के बाद एक राजनीतिक आकार हासिल किया जो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण पर समन्वय और प्रभावी प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ली गई एक सीमा के रूप में प्रकाशित हुई। यानी कि जो ये पर्यावरण से रिलेटेड जो इशू है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कब बहुत ज़्यादा प्रखर हो गए, 1960 के दशक में, उससे पहले इतना इशू नहीं रहता था इन सब का। फिर थर्ड है हमारा 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अलग अलग विचार यानी वैश्विक उत्तर, पहले विश्व के देश और वैश्विक दक्षिण, तीसरी दुनिया के देश का पता चला। फिर क्या होता है, ग्लोबल नॉर्थ और जोन रिक्तिकरण और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों से संबंधित था और एजेंडा 21 द्वारा आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन पर केंद्रित वैश्विक दक्षिण। फिर हमारा फोर्थ वैश्विक कॉमन्स, उन क्षेत्रों या क्षेत्रों का उल्लेख करते जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन द्वारा आम प्रशासन की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसे मुद्दे मतलब कि एक होता ना कि साझा विरासत, कौन कौन सी हमारी, जिसपे सिर्फ मेरा ही अधिकार नहीं है, ना ही सिर्फ मेरे देश का है, सभी कंट्रीज़ का वहाँ पे अधिकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वैश्विक कॉमन्स कहते हैं या फिर विश्व की साझी संपदा कहते हैं। तो ऐसे क्या क्या, हमारी अंटार्कटिका यानी कि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है तो भी सभी का है। फिर पृथ्वी के वायुमंडल, वायुमंडल भी सभी देशों का होता है। प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास से जुड़े समुद्र तल पर ओजोन क्षेत्र की खोज, ये सब इश्यूज क्या है हमारे, किसी एक कंट्रीज़ के नहीं है, सभी देश यहाँ पे मिलकर काम कर सकते हैं इसके लिए। फिर फिफ्थ है 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में रियो घोषणा ने दोनों विकासशील राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के नियमों के विकास, अनुप्रयोग और व्याख्या के रूप में आम लेकिन विभेदी जिम्मेदारियों के सिद्धांत को विकसित किया जिम्मेदार तरीके से। यानी कि क्या जिम्मेदारी होगी लेकिन सबकी क्या है, जिम्मेदारी साझा जिम्मेदारी होगी लेकिन अलग अलग, यानी कि जिम्मेदारी जो है वो एक है सभी के ऊपर, लेकिन क्या है उस जिम्मेदारी को निभाने का जो तरीका है और उत्तरदायित्व है वो सभी लोगों का बराबर नहीं है, अलग अलग है। फिर सिक्स्थ है इसमें 1992 के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने इक्विटी के आधार पर जलवायु प्रणाली की रक्षा करने और उनके सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और क्षमताओं के अनुसार जोर दिया। उदाहरण, सबसे बड़े और ग्रीन हाउस गैसों के वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन की उत्पत्ति विकसित देशों में हुई है, इसलिए भारत और चीन जैसे कम उत्सर्जन वाले विकासशील देशों को 1997 में जापान में आयोजित क्योटो प्रोटोकॉल से छूट दी गई। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका ज़्यादा जो उत्सर्जन हुआ है कहाँ से हुआ है, विकसित देशों से हुआ है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति उनके वहाँ पे हुई है, तो इस तरह से वहाँ पे हुआ है। हमारे जो विकासशील देश हैं उनके यहाँ पे इतना ज़्यादा उत्सर्जन नहीं होता ग्रीन हाउस गैसेस का, तो जो कंट्रोल करेंगे वो क्या है, इनकी जो जिम्मेदारियाँ होंगी विकसित देशों की और विकासशील देशों की, वो दोनों ही अलग अलग होंगे। तो इसीलिए जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है उसमें भारत को और चीन को छूट दी गई है काफ़ी ज़्यादा। फिर क्या हमारा सेवंथ, सामान्य संपत्ति संसाधन एक ऐसे समूह को संदर्भित करते हैं जिनके पास प्रकृति, उपयोग के स्तर और आपसी समझ और प्रथाओं के साथ किसी दिए गए संसाधन के रखरखाव के अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं, जो राज्य के स्वामित्व वाली वन भूमि पर पवित्र पेड़ों का संप्रबंधन है। फिर एट्थ है हमारा, भारत ने पर्यावरण के मुद्दों पर एक प्रमुख भूमिका निभाई है क्योंकि इसने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा भारत है कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है इसके लिए बहुत ज़्यादा ही अटेंटिव है, बहुत ज़्यादा इसके लिए कदम भी उठाता है, सम्मेलन भी करता है, नीतियाँ भी मनाता है। तो इससे क्या होता है, अगस्त 2002 में क्योट किया गया था लेकिन भारत ने हाल ही में बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को शुरू करने के बारे में UNFCCC के साथ चर्चा की। पहले क्या, भारत ने मना कर दिया था लेकिन दोबारा से जो है चर्चा की।
भारत ने राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति, विद्युत अधिनियम 2003 और बायोडीजल पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करके वैश्विक प्रयासों में भाग लिया। इसके अलावा भारत बड़े पर्यावरणीय मुद्दे पर सार्क देशों द्वारा एक सामान्य स्थिति अपनाने का समर्थन करता है ताकि अधिक क्षेत्रवार कहा जा सके, यानी कि इसमें जितना हो सके उतने देशों को शामिल करने की कोशिश की जाती है ताकि इस मुद्दे को हम हर किसी के साथ इसका मतलब हल निकालने की कोशिश करें। 9th है पर्यावरणीय आंदोलन। ऐसे समूह के आंदोलन हैं जो पर्यावरण रूप से जागरूक हैं ताकि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय गिरावट को चुनौती दी जा सके, जिसका उद्देश्य नए विचारों और दीर्घकालिक दृष्टि को बढ़ाना है। अर्थात मेक्सिको, चील, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत में भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो ये आंदोलन होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं इसमें शामिल जो बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण गिरावट को चुनौती दे सकते हैं, यानी कि इससे इश्यूज जो होते हैं रिलेटेड उसके लिए तर्क वितर्क करना इन लोगों का काम होता है। फिर 10वां है हमारे इसमें पर्यावरण आंदोलन को वन आंदोलनों, खनिज और खनिज उद्योग के खिलाफ, जल प्रदूषण और एंटी डैम मूवमेंट बनाने के लिए आंदोलन के रूप में वर्गीकृत किया गया। यानी कि इसके खिलाफ अगर ये लोग उठते हैं तो इसको हम क्या एक तरीके से आंदोलन बोल सकते हैं, क्योंकि आंदोलन का मतलब क्या था, किसी एक मतलब समुदाय को हम जब न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, उससे जो इश्यूज आते हैं उसको निपटाने की कोशिश करते हैं, तो एक आंदोलन के माध्यम से किया जाता है कई बार। फिर 11th है हमारा संसाधन भू राजनीति। इस बारे में है कि किसे क्या कब कहाँ और कैसे मिलता है। नव उपनिवेशवाद की प्रथाएं बड़े पैमाने पर और पूरे शीतयुद्ध के दौरान फैली औद्योगिक देशों ने शोषण स्थलों के पास सैन्य बलों की तैनाती और संचार के समुद्री मार्ग, रणनीतिक संसाधनों के स्टॉक पाइलिंग द्वारा संसाधनों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए तरीके अपनाए मैत्रीपूर्ण सरकारों के प्रचार के प्रयास से। फिर 12th क्या है हमारा 12वां, वैश्विक अर्थव्यवस्था तेल पर एक पोर्टेबल और आवश्यक ईंधन के रूप में निर्भर करती है। जो हमारी आज की अर्थव्यवस्था है वो बहुत हद तक जो है ये तेल पर निर्भर करती है। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्ष का इतिहास रहा है। पानी जो है वो वैश्विक राजनीति के लिए प्रासंगिक और एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्षेत्रीय बदलाव और मीठे पानी के बढ़ते प्रभाव से राजनीति खेलने के लिए दुनिया में संघर्ष भी हो सकता है। तो ये जो इश्यूज हैं इन सब को लेके संघर्ष भी बहुत ज़्यादा रहता है। फिर क्या देखते हैं 13वां हमारा, स्वदेशी लोग पर्यावरण, संसाधनों और राजनीति के मुद्दे को एक साथ लाते हैं। स्वदेशी लोग अपने विशेष क्षेत्रों में अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के साथ रहते हैं, जो अपने संघर्ष एजेंडे और समान क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में समान राज्य होने के अधिकार की बात करते हैं। फिर हमारा 14 है इसमें, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय से स्वदेशी समुदायों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों की उपेक्षा की गई है। 1975 में विश्व स्वदेशी परिषद का गठन किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र में परामर्शदात्री का दर्जा प्राप्त करने वाली 11वीं स्वदेशी स्वयंसेवी संस्थाओं में से पहली बनी। यानी कि पहले जो है इन लोगों की बातें हैं जो वैश्विक राजनीति से बहुत टाइम तक क्या है उपेक्षित रखी गई, उसके बाद इसको जो विश्व राजनीति में दर्जा मिला। अब क्या है हमारा, हम एक एक करके जो इसमें टर्म्स यूज हुई हैं उनके बारे में देखते हैं। क्या है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी का मतलब ही देखो क्या होता है कि अगर पृथ्वी से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, तो उसमें जो नाम है वो किसका आता है, पृथ्वी का आता है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए पर्यावरण और विकास पर जून 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है में आयोजित एक सम्मेलन है। यानी कि इसके कई के नाम है, इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, इसको रियो डी जेनेरियो भी सम्मेलन भी कहते हैं। और सेकेंड है हमारा एजेंडा 21। पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने स्थिरता प्राप्त करने के लिए विकास के संदर्भ में प्रथाओं की एक सूची की सिफारिश की, जिसे हम एजेंडा 21 कहा जाता है। इसमें जो है 21 सिफारिशें दी गई हैं, इसी को एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। फिर थर्ड है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है, औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की स्थापना 1997 में जापान के क्योटो में UNFCCC में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित थी। यानी देखो मैंने आपको प्रोटोकॉल का मतलब बताया था,
कि ये नीति नहीं है कोई, ये प्रोटोकॉल का मतलब है आपको वो जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको बाध्य तरीके से आपको मानना है। तो ये जो उस ग्रीन उत्सर्जन गैसेस का इश्यूज था कि जो विकसित देश है उनके वहाँ से ज़्यादा होता है, तो इसके लिए एक नियम बनाए गए कि उनको कितना लेवल मतलब उसमें कम करना है। फिर फोर्थ हमारे UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने कहा मान्य लेकिन विभेदी जिम्मेदारियों से बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। स्वदेशी लोग, स्वदेशी लोगों में उन लोगों के वंश शामिल हैं जिन्होंने एक देश के वर्तमान क्षेत्र में उस समय निवास किया था जब विभिन्न संस्कृति के लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों से वहां पहुंचे थे। इसी के साथ आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।